कांस्टेबल बाबूलाल की आत्महत्या से जुड़ा मामला एसीपी अनिल कुमार को एपीओ कर दिया गया है। एसीपी अनिल कुमार को सीकर रेंज में हाजिर होना होगा। डीजीपी यूआर साहू ने आदेश जारी किया है क्योंकि कार्रवाई हुई और उसके बाद दो पुलिसकर्मियों को जहां सस्पेंड किया गया तो वहीं एसीपी अनिल कुमार को एपीओ कर दिया गया है। हेड कांस्टेबल बाबूलाल की आत्महत्या से जुड़ा यह मामला प्रकरण की जांच को लेकर पुलिस मुख्यालय ने गठित की है एसआईटी, क्योंकि आज परिजनों से भी इस चीज को लेकर उन्हें आश्वस्त किया था कि आप निश्चिंत रहिए, जांच होगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे डिप्टी एडिटर शिवेंद्र जुट गए। शिवेंद्र, आखिरकार क्योंकि परिजनों के साथ बातचीत रही और उसके बाद में कार्रवाई भी हुई, एसीपी अनिल कुमार को एपीओ कर दिया गया है। शिवेंद्र, देखिए काफी चर्चित मामला हो गया था, आज छठा दिन था बाबूलाल जो है कॉन्स्टेबल थे उनकी आत्महत्या का, लेकिन उनके अंतिम संस्कार को लेकर लगातार गतिरोध बना हुआ था। एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में उनके जो परिजन हैं और जो आंदोलनकारी थे वो बैठे हुए थे, तमाम उनकी मांगे थी सरकार से, लेकिन आज एक तरीके से वो जो पूरा गत्य था वो टूटा। जब डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की समझाइश के बाद परिजनों ने अपना जो आंदोलन था वो खत्म करने का फैसला लिया, सब उठाने का फैसला लिया, अंतिम संस्कार का फैसला लिया और जिन तमाम मांगों पर सहमति बनी उनमें दो प्रमुख मांग ये थी कि एक तो जो एसीपी, एडीसीपी और सब इंस्पेक्टर हैं उनको एपीओ किया जाए। तो एपीओ के आदेश जो एसीपी हैं अनिल कुमार उनके जारी हो गए हैं, उनको एपीओ कर दिया गया है डीजीपी की ओर से और उनको अपनी हाजिरी भी सीकर रेंज में देनी होगी। ये बड़ी बात है कि उनको हाजिरी भी जयपुर से बाहर देनी होगी। थोड़ी देर में जो एडिशनल एसपी हैं उनके ऑर्डर भी जारी होंगे, वो गृह विभाग के ऑर्डर जारी होंगे। इसके अलावा एसआईटी भी बना दी है जयपुर पुलिस मुख्यालय ने, जो एडीजी क्राइम है दिनेश एमएन उनकी अध्यक्षता में एसआईटी बनी है जिसमें क्राइम ब्रांच के आईजी हैं प्रफुल्ल कुमार, क्राइम ब्रांच के एसपी हैं प्रहलाद किश्तिया, आरपीएस है सीमा भारती, एक और आरपीएस है सोहेल रजा। इस तरीके से कुल 7 लोगों की कमेटी बनी है, जो कमेटी इस पूरे आत्महत्या प्रकरण की जांच करेगी कि जो आरोप अपने सुसाइड नोट में लगाए थे बाबूलाल बैरवा ने उन आरोपों में क्या सच्चाई है, और जब उस कमेटी की रिपोर्ट डीजीपी यूआर साहू को मिलेगी उसके बाद तय होगा कि जो अग्रिम कार्रवाई है वो किस तरीके से की जाए। आप ठीक है शुभेंद्र, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। देखिए इस मामले में आज काफी कोशिशें तो की जा रही थी परिवार के साथ बातचीत जल्द से जल्द हो और उसके बाद ये राहत भी मिली, परिवार से बातचीत हुई। हेड कांस्टेबल बाबूलाल की आत्महत्या से जुड़े इस मामले पर एसीपी अनिल कुमार को जो है एपीओ कर दिया गया है कार्रवाई के साथ और अब एसआईटी भी बना दी गई है। एसआईटी इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी कि आखिर क्या वजह रही वाकई में जिस वजह से बाबूलाल को इस हद तक डिप्रेशन में जाना पड़ा कि उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करना एक आसान रास्ता समझा। एडीजी दिनेश शेमन के नेतृत्व में एसआईटी और आगे की कार्रवाई इसी को लेकर